आप कहाँ से आए हो? सूरत। सूरत से आए हो आप? आपकी सूरत भी कितनी मिलती है? बेटा आप किधर? आपको तो मैं जानता हूँ, आपका नाम आलिया भट्ट नहीं है? आप उनकी जैसी लगती है ना। मनवाल लगाते हैं बेटा। क्रिश, ये मुझे क्रिश तो किसी साइड से नहीं लग रहा, ये तो मुझे छोटा भीम लग रहा है। ये तुम अपने आप खाना खाते हो कि मम्मी खिलाती है जबरदस्ती? अपने आप खाता हूँ। क्या खाते बेटा आप? आलू के परांठे। हाय हाय शकल, थोड़ा आगे आ जा। हाय हाय मेरा शकल, दरवाजा खुलता है कड़ 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 कड़। अब तो बंद कर दो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पर ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ये बात का एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है। कल एक लेडी मुझे मिली, उनका छोटा सा बच्चा था 3 साल का, फिर कहती मेरा बेबी आपको बड़ा फैन है, मतलब टीवी पे सिर्फ आपको दिखता है। बेटे बताओ टीवी पे क्या अच्छा लगता है? बच्चा मेरी तरफ यूं देख रहा है। बताओ बेटे टीवी पे क्या अच्छा लगता है? कार्टून। मेरे को समझ में ना आया कि इसको कार्टून अच्छा लगता है कि मेरे को कार्टून बोल रहा है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे वो कुछ भी बोल देते हैं बेबाक। एक दिन हमारे पड़ोस की एक आंटी ना नई नई साड़ी लेके ना किसी शादी में गई, सब बड़ी तारीफ कर रहे थे, ओ वेरी नाइस साड़ी कहाँ से ली आपने, वो भी पूरा चल रही है, या मैंने बनारस से ली एक्चुअली, शिफॉन की साड़ी है, मैं शिफॉन की साड़ी के अलावा कुछ पहनती नहीं हूँ। उसकी बेटी खड़ी थी पास, शिफॉन की साड़ी ये तो रेनू आंटी की साड़ी है ना। बच्चे पकड़वा देते चोरी माँ बाप की। अच्छा पहले के जमाने में बच्चों के कपड़ों की ज्यादा ऑप्शन नहीं होती थी, हाँ माँ बाप बड़े बड़े कपड़े ले लेते थे, बड़ी कमीज ले ली कि चलो बच्चा 3-4 साल तक पहनता रहेगा। 3-4 साल तक पहनी, उसके बाद छोटा भाई आ गया, फिर उसको पहना दी, वो पहन के बड़ा हो गया, और कई के बार 2-3 बच्चे निकल के शर्ट नई की नहीं रहती थी, वैसी की वैसी टंगी हुई, तो बाप अकेला शर्ट को देख के प्लानिंग कर रहा है, तो भगवान बार सुनो कमीज अभी भी नहीं है, एक आध और बच्चा करके डाल दे इसमें। तो बच्चे इतने सीधे होते हैं, आप बच्चों को जो सिखाओ वो वही जाके बोल देते। एक बार हमारे पड़ोसी का बच्चा ना मैंने प्रेस मांगने आया, कहता अंकल प्रेस है, मैंने कहा बेटा प्रेस तो नहीं है, मेरे पापा यही कह रहे थे वो प्रेस नहीं देंगे। मैंने कहा और क्या कह रहे थे पापा? पापा कह रहे थे वो साला है ही कमीना, नहीं देगा तो बगल वाले घर से ले आना। सबको पता है कि ट्रेन में 4 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता है, माए ना बच्चों को घर से सिखा के लेती थी, बेटे तू 6 साल का, तू 4 साल का है, कितने साल का है? 4 साल का। यस, कोई भी आए तो यही बोलना, टीटी आ गया, बच्चा खुद ही बोल पड़ता था अंकल मैं 6 साल का नहीं मैं 4 साल का हूँ। वाकई बच्चे बड़े मासूम होते। एक छोटी सी बच्ची ना अपनी दादी से पूछी, दादी तुम तोता हो ना? नहीं बेटे मेरे तेरे को किसने कहा मैं तोता हूँ? मेरे को पता है आप तोता हो। नहीं बेटे तेरे को किसने कहा मैं तोता हूँ? तो फिर मम्मी क्यों कह रही थी पापा से कि ये बुढ़िया टैंक बोलेगी? अच्छा एक जमाना होता था जब बच्चे रोज शाम को बाहर खेलने जाया करते थे, बच्चे बाहर खेलने जाते थे, इधर घर में कोई ना कोई खेल हो जाता था, खेल खेल में 130 करोड़ हो गए हम, देख लो पता नहीं चला। आजकल इंडोर गेम्स इतनी आ गई, बच्चे बाहर खेलने जाते नहीं, नतीजा आपके सामने है, घर में 1 या 2 से बच्चे ज्यादा होते नहीं। सो कहने का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी के अगर कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। अरे जैसे पैसे वाले लोग होते ना उनके बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है कि माँ बाप ने चीज ले ही देनी है, तो वो झट से कॉन्फिडेंस से मांगते हैं, पापा आई वांट दिस वीडियो गेम, पापा आई वांट दैट। हम जैसे लोग होते हैं ना चीज बाद में मांगते, पहले गाल पे हाथ रहते हैं, पापा ये चाहिए। पता होता है जवाब में सीधा थप्पड़ मिलेगा, पता होता है बच्चों को, बच्चे बहुत शाणे होते हैं। मुझे पता था कि पापा का मूड अगर ठीक है तो सिर्फ ना बोलेगा, अगर खराब है तो एक थप्पड़ मार देगा, क्योंकि ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना इनके बच्चों को पता होता है, वो सीधा जाके बोल देते हैं कैंडी में से जाके, आई वांट दिस चॉकलेट दैट वन एंड द लास्ट वन। तो हमारे जैसे जिनके पता है जेब में है ही कुछ नहीं, जेब फटी हुई, हाथ मारो तो अंदर घुटने हाथ में आ जाते हैं, कुछ नहीं पता था, तो कैंडी लगी हुई ना हलवाई की दुकान पे स्वीट शॉप पे, तो उसको हाथ लगा के खुश हो जाते हैं। कई कई बार बच्चों के चक्कर में माँ बाप का झगड़ा किस कदर बढ़ जाता है, देखिए आप जैसे सपोज किसी बच्चे को खांसी आई ना, बाप ने देख लिया खांस क्यों रहा है, माँ बोलती क्या करूं मैं, सुनता कहाँ है, इतना जिद्दी बच्चा ना गला खराब है फिर भी आइसक्रीम खाता, तो तुम उसे समझा नहीं सकती? नहीं सुनता कहाँ है, तुम सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बैठे हो, उसको भी सुनाया करो।
झगड़ा बढ़ता जाता है। माँ बोलती आप ही समझाओ ना, बाप आप हो, मैं बाप हूँ, तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारा बाप है, तुम ही समझाया करो उसको। कहती मैं क्या करूँ, मैं दवाई ला के दी, तू पीता नहीं है, तो तुम पिलाओ ना, तुम्हें पिलाती हूँ मैं, अपने आप पी मर के आते हो ना, मैं कुछ कहती हूँ। तुम्हारे बस का तो बस शॉपिंग करना रह गया, शॉपिंग का बीच में कहाँ से लेके आए? इतने करो बच्चा खुद उठकर दवाई पी लेता है। कहते मैंने खांसी की दवाई पी ली, अगर कोई भौंकने की दवाई ले तुम लोग भी पी लो। बच्चों के चेहरों पर इतनी मासूमियत होती है, कभी कभी कुछ करना चाहते नहीं होता तो बड़े लोग वैसे ही उनकी हेल्प कर देते हैं। एक बच्चा रहा ऐसे अपने घर के बाहर बेल बजा रहा था, उससे बज नहीं रही थी, हाथ ऊपर था, अंकल ने उठा कर दिया ऐसे, बेल बजा दी बच्चे ने। कहता और बेटा? कहता और कुछ नहीं, भागो। पाजी आजकल के जो बच्चे हैं ना, हाँ, इनको बहुत ज्यादा अकल आ गई है, थोड़ी ज्यादा ही आ गई है। हो जो हम बच्चे थे, लोगों का बचपन गुजरा होता ना, हमारा बड़ा ज्ञान गुजरा था बेसिकली। मैंने कुछ बच्चों से ऐसे ही बातें की, इनको जाने इनके बारे में, इनके मन में चल क्या रहा है। हाँ। इतने शातिर बच्चे बाजी, हाँ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे, हाँ, गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं। हाँ? हाँ? इतने इतने बच्चे, मैंने कहा ये कौन है? शी माय गर्लफ्रेंड। और हमें हमें वो सब करने को मौका मिला नहीं, इसलिए मैंने सोचा बाजी, हाँ, मैंने जो बचपन में कसर मेरी रह गई थी, मैंने सारी पूरी करनी, फ्लड कर करके खड़का दे। भगवान मेरी सुन भी रहा है। देख लो सड़क पर कोई ना कोई लड़की निकली आती है, हाय बाय। ये तो अपनी मोना सिंह है, जोरदार तालियां मोना के लिए। सिद्धू जी बिग हेलो। गुलिस्तान में जाके हर गुल को देखा, गुलाब को देखा, ना मोना सिंह जैसी रंगत है, ना मोना सिंह जैसी खुशबू है। मैं आपके लिए शेर लेके आई हूँ, लेकिन छोटा सा है। खड़का दो। पक्का? हाँ इरशाद 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 इरशाद। मैंने कहा जी उनके लिए शेर ले गए, हमारे लिए कुत्ता बिल्ली ले आते। क्या हाल है सुनो? वही जो तुम्हारी बहन का है। मतलब तुम्हारी भी नाक बहती है कभी-कभी? बड़े बेशरम हो यार, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? ये तुम टॉन्ट कर रही हो या पूछ रही हो? वे मेरी बात सुनो एक सेकंड, मैंने ऐसे जस्ट बात की है, इतनी पुरानी जान पहचान है, ये जूते निकालने पे सीधा क्यों निकला तू? बेटा ऐसा है कि मेरी ना जूतियों की दुकान है, मैं जूतियां बेचती हूं। क्या बात कर रही, इतनी सेक्सी होकर जूतियां बेचती, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो तुम ना फालतू की बातें मत करो, तुम्हें जूतियां खरीदी हैं तो बोलो। देखो ऐसा है, हमारी प्रॉब्लम है ये, क्या? मैंने आज तक कभी खरीद के पहने नहीं। मैं जब 8 साल तक का था तब तक तो माँ बाप ने लेके नहीं दिए। बोलते भगवान ने इतनी सख्त एड़ियां लगाई इनको यूज करो। तो हम लोग यू करके 8 साल तो निकाल लिए। 9 साल से मेरी हरते ऐसी होंगी कि जूते अपने आप मिल जाते, कभी कोशिश की नहीं। जैसे एक बात बताओ, इसमें कुछ डिस्काउंट दे रही हो तो ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा डिस्काउंट छोड़ो, मेरे पास ना एक बड़ी अच्छी स्कीम है। क्या है? एक पे एक फ्री। तुम ना राइट का पैर खरीद लो, लेफ्ट का पैर फ्री। तुम ठीक कहां अब तक? क्यों? तुम तो इस घर की परफेक्ट बहू बन सकती हो। यही चीजें तो चाहिए हमें अपने रिश्तेदारों में। देखो तुम ना बातें बहुत ज्यादा कर रहे हो, जूते नहीं खरीद रहे हो। तुम्हें पता है एक आदमी की पहचान ना उसके जूतों से होती है। जूतों पे नेम प्लेट लगी होती है, जूतों से क्या होता है? अरे यार ये कहावत है यार। कहावत तो ये भी, हंसी तो बस इतनी देर से हंस रही हो, मैं समझ लूं उसको फिर। देखो मैंने फ्लर्ट करने वाले ना बड़े देखे, लेकिन तुम जैसा ढीठ फ्लर्ट ना मैं पहली बार देख रही हूँ आज। तुमने देखे कहाँ है? ये दिनेश है ना गिटार वाला। हाँ। ये देख ले, अभी मुंह भी चुम्मी जैसा बना के बैठा हुआ है। ये इतना ढीठ है बाजी, लड़की का पीछा करते करते उसके घर तक चला गया। उसके भाइयों ने बाप ने बड़ा पीटा, खून निकल रहा है, वो उठ के पूछ रहा है, कहता ये सब चीजें मेरे समझ में नहीं आती, साफ साफ बताओ हाँ है कि ना है। अपने लिए जूते नहीं खरीदने तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लो ना, मतलब कुछ तो ले लो, कितनी सुंदर सुंदर जूतियां। गर्लफ्रेंड है नहीं हमारे पास। हाय। मैंने तो आज तक ना कभी किसी की लड़की के साथ कॉर्नर सीट पे बैठ के फिल्म भी नहीं देखी, मुझे पता भी नहीं कॉर्नर सीट पे बैठ के करते क्या है।
अरे यार ये तो अच्छी बात नहीं है. एक काम करते हैं, हम दोनों पिक्चर देखने जाते हैं. बड़ी अच्छी पिक्चर आ रही है. ये हुई ना बात. शाबाश शाबाश जी. फिल्म शुरू नहीं हुई, टिकट वाले पहले आ गए. टिकट टिकट टिकट. वेरी गुड. मुझे जरूर पता था कि एक ना एक दिन कोई ना कोई लड़की ना जूतों से तुम्हारी पिटाई जरूर करेगी. वेरी गुड. खबरदार मेरी हेल्प मांगी तो. तुम्हारी हेल्प मांगूंगी. उससे हेल्प मांगूंगी जिसके बाप ने लोगों से हेल्प ले ले बच्चे बड़े किए हैं. हेल्प वर्ड का सबसे ज्यादा मिसयूज इनकी फैमिली ने किया है. कोट पैंट पहन के स्टेशन में चलाना था इनका पापा. एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी? वो कहते क्या? कहता है. पर ये जूते मारने वाली नहीं है, ये जूते बेच रही है. हाय, आई एम मंजू. प्लेजर मीटिंग यू. दूर हटो. देखा, दूर हटो, दूर हटो. इसको मिलता हूँ तब भी यही बोलती है. हाँ, झूठे कहेंगे. मेरे तो एक फीट पास नहीं आते. तो एक फीट कहाँ से पास आऊंगा, डेढ़ फीट तक तो होड़ बाहर आए. एक मिनट यार, आप दोनों लड़ो मत यार. हाय मंजू, आई एम मोना. जूते खरीद लो ना, इतने सुंदर सुंदर लाई हूँ मैं. आए, हाए, ये तो बड़े सुंदर है, ले लूं? रहन दे, तू तू तो मत लिया कर, खूबसूरत जूते मत लिया कर तू. पिछली बार भी इसने जूते ले लिए, बड़े अच्छे लगे इसको. कहती अब साड़ी के नीचे पहनूं, नजर तो आएंगे नहीं. इसने हाथों पहन लिए. इतनी बड़ी हील ना खुड्डी के नीचे लगा के शादी में देख रही. हाय, आई एम फ्रॉम लड़की वाले साइड. चुप हो जाइए मोना. हाँ. आप मुझे ना ऐसी जूतियां दिखाइए जिसे पहनकर मैं हॉट लगूं. हाँ हाँ, श्योर. हॉट. इसकी बहन ने भी एक बार मेरे को आए, बोलती मैंने जीजा जी बड़े हॉट शूज लिए हैं. पर नीचे देखा तो वो सड़क बनाने वाले नहीं पहनते, तार कोल बिछाने वाले. इतने बड़े जूते पाजी, इतनी सी इसकी बहन. जूते जैसे खत्म हुए वहां पे गर्दन थी. यहां तक जूते पहन के आई इसकी बहन. मैंने कहा चल के बता. कहती है पहले पैरों के नीचे आग लगाओ. मैं क्यों? तेरी तार कोल जम गया, जब तक पिघलेगा नहीं मैं चल नहीं सकूंगी. आप ये तो मजाक उड़ा रहे हो ना. पापा सुन लेंगे ना तो जूतों से पिटाई करेंगे आपकी. पिटाई तो तब करेंगे ना, जूते होंगे उनके पास. तो बताऊं क्या करता है इनका पिताश्री? क्या करते हैं? क्या पॉलीथिन पहन के घूमते हैं. एक बार तो नाली में नहाने के लिए कूद रहे थे, पॉलीथिन उतार दिया. मैं क्यों? कहते जूते गीले हो जाएंगे. इसकी बहन का सुन लो. सुनाओ. सालियां शादी में क्या चुराती हैं? जूते. हाँ, इसकी बहन ने मेरा रेजर चुरा लिया. ये क्या चीज वो चुरानी चाहिए जिसका फायदा हो? जूते तो मेरे को फिट भी नहीं आएंगे. इनाफ इज इनाफ, बहुत हो गया. मैं ना ये जूते चुरा के जा रही हूँ, पैसे तुम भरना. अरे बोला हेरिडेटरी प्रॉब्लम है. उसमें जूतियाँ बेचती हूँ. और जो मेरे कोस्टार है ना आदिल, जो पति बने वो असलम पंचर वाले, उनको भी अपने साथ लेकर आई हूँ. अरे वाह, तो प्लीज उनको बुलाइए. आप बुला लूँ? प्लीज प्लीज वेलकम आदिल हुसैन. सर आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत स्वागत है. आपकी फिल्म का टाइटल है जेड प्लस. हाँ. पर सर जेड प्लस जो है ये इंग्लिश वर्ड है. बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो जेड तक पहुंचते नहीं है. उन्होंने एबीसीडी भी एबीसीडी तक पढ़ी होती है. तो ई का मतलब भी नहीं पता था. ई फॉर इलीफेंट. मैंने प्रोमो में देखा है कि इनके घर पे शायद बाथरूम भी नहीं है, डिब्बा लेके बाहर जा रहे हैं और पीछे 50 बॉडीगार्ड. और सोचो उस समय आदमी की टेंशन क्या होती होगी कि और वो जेड प्लस वाले बंदूक की नोक ही नहीं की तरफ करके बैठे हुए. आदमी हल्का क्या होगा, उल्टा बंदूक देख के दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता है कि जो काम आपने एक मिनट में खत्म करना है वो 15-15 मिनट नहीं होता. एनीवेज, ये काफी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा सर मुझे, तो मजा आया. मोना, आप टीवी का इतना पॉपुलर फेस रही है जी. फिल्मों में आ गई आप. हाँ जी. हमारे शो में आने के लिए आपने फिल्म कर डाली. बट यू नो कपिल, मुझे एक बात आप सबको बतानी पड़ेगी. मैंने जैसे ही लोगों को बताया कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है तो सबने मुझे बोला अरे क्या हो रहा है, फिर प्रमोशन क्या हो रहा है. तो मैंने कहा हम कल दिल्ली जा रहे हैं, फिर लखनऊ जा रहे हैं. अरे क्या कर रहे हो यार, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप कपिल के शो जाओ. यहाँ पे प्रमोशन हो गई तो मतलब पूरे हिंदुस्तान में हो गई.
हमें आपके बारे में एक बात पता चली है। अरे कि फिल्मों में आने से पहले हाँ। आप स्टैंड अप कॉमेडी भी किया करते थे। हो पहले करता था 1985 से लेकर के एनएसडी आने से पहले मैं अपना रोटी रोजगार स्टैंड अप कॉमेडी से करता था। और बच्चन साहब मुझे बहुत पैसे उनको देने हैं क्योंकि उनका आवाज बेच करके मैंने 6 साल खाया। अरे वाह, तो सर थोड़ी सी झलक तो होनी चाहिए अगर आपने बच्चन साहब को इतना एडमायर करते हैं। अच्छा इसके पीछे छुपा के क्यों रखा माइक, नंगा था। तो ये जो सीन है वो शक्ति फिल्म से है। Okay. बच्चन साहब थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए बैठे हैं और रोमा 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 अच्छा वाओ। बच्चन साहब माफ करिएगा, रोमा जी माफ करिएगा। तो आपका आपका पहला लाइन आपका है, आप कहते हैं इतना दारू क्यों पी रहे हो तुम। इतना दारू की पीते हो और अकेले की पीते हो, why don't me? इतना दारू क्यों पीते हो आप? रोमा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जानती हो रोमा मेरे बाप ने 2 शादियां की हैं, एक मेरी माँ के साथ और एक अपनी नौकरी के साथ। अपनी माँ का बेटा मैं हूं और मेरी सौतेली माँ यानी मेरी बाप की दूसरी बीवी का बेटा कानून है, कानून मेरा सौतेला भाई है, सौतेला भाई है मेरा। और मैं तो उस घर से भाग आए हो लेकिन मेरी सौतेली भाई और मेरी सौतेली मां ने मेरी अपनी मां को मेरे बाप के घर के अंदर कैद कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू। रोमा भी आगे सोचना। अरे बाबा मैंने तो ऐसे ही पूछा, तुम तो सीरियस हो। थैंक यू सो मच। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मोना काफी सालों से जानता हूं और ये इतनी हंसमुख हैं। आज तुम हंस रहे हो लेकिन एक काम करते हैं, क्या चेक करते हैं हम लोग। नहीं यू नो कपिल, ये बहुत स्ट्रेंज हो गया है, ये मतलब हद हो गई है। आज सुबह जब मुझे पता था कि आपके शो पे आना है तो मैं सुबह से ही सोच रही थी कि मैं हर छोटी छोटी बात पे हंसी रहती हूँ। मेरे डायरेक्टर मुझे कहते हैं क्या मोना ये तो बात फनी भी नहीं थी, तुम ऐसे हंस रही हो। तो मैंने सोचा कि दुनिया के सबसे फनीएस्ट शो में आज मैं यहाँ पे चैलेंज लूंगी कि मैं नहीं हंसूंगी और किसी को मुझे हंसाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा हाँ, कोई मेरे दोस्त भाई जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि वो मोना को हंसा सकते हैं, और आप बैठ जाइए, मैं बंदे सिलेक्ट करता हूँ जरा। अच्छा जी, एक आप हो गए, और कोई आपने हंसाना है कि कुछ खाना है? ओके ओके, सो वन बाय वन आप शुरू कर सकते हैं। जी जी सर, ये आप बड़े अच्छे लग रहे हैं शिमला मिर्च जैसे। एक मोहल्ले में छोटे बच्चे वहां के अंकल से बहुत परेशान थे। अच्छा जी। अंकल जब भी निकले, ए कल्लू इधर आओ। क्या अंकल? ताजमहल के बारे में जानते हो? नहीं अंकल। कभी घुमा फिरा करो। दूसरे दिन, एक ललुआ इधर आ। क्या लाल किले के बारे में जानते हो? नहीं अंकल। कभी घुमा फिरा करो। हिस्ट्री का प्रोफेसर था। बच्चे बड़े तब गए। तीसरे दिन, अंकल पप्पू इधर आ। पप्पू ने कहा अंकल एक सवाल मैं पूछूं। कहने पूछो। कह रामलाल को जानते हो? कह नहीं। कह घर में भी रहा करो। जितनी देर में आपने चुटकुला सुना रामलाल निकल चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। हाय कपिल सर। हाँ जी। हाय कपिल सर। बड़ी मुश्किल से हाय निकली। हाय सुकृपा जी। आर्मी हाय बोलता है नॉर्मली, फिर इसको पुश करना पड़ता है हाय। जी हेलो ब्रदर। गांव से एक पति और पत्नी गए दिल्ली घूमने के लिए। आए वो अपने पत्नी को घुमा दिया कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। हेलो 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 हेलो, फिर कहाँ घुमाया वो? कुतुब मीनार। कहाँ
कुतुब मीनार। अगर तूने अब बोला मैं शहीद हो जाऊंगा। आपने नाम नहीं बताया ब्रदर अपना। विक्की कुमार। विक्की कुमार जी, मेरा नाम विक्की कुमार। नहीं नहीं, क्या नाम क्या बताया, सॉरी मुझे सुना नहीं। विक्की कुमार। विक्की कुमार। विक्की कुमार जी जी। विक्की और घुमाया कहाँ उन्होंने? कुतुब मीनार। हेलो हेलो, कुतुब नहीं है, कुतुब। अच्छा विक्की कुमार जी, बिहार से एक मियां बीबी गए दिल्ली जी, उन्होंने कुतुब मीनार घुमाया जी, और पति ने अपने पत्नी से बोला कि ले देख ले कि गांव में जाकर मत कहना कि मैंने लाल किला नहीं देखा। ओके, ये तो उसकी पत्नी बोली कि ये तो कुतुब मीनार है। तो उसके पति बोला कि तुमको घुमाने के लिए मैं लाया हूँ कि तू मेरे को लाई है। उसके बाद पति और पत्नी फिर अपने गांव चले गए, तो वहाँ पे उसके पति बोले कि जा जाओ पराठे के रोटी बना करके लाओ। तो वो गई किचन में और उधर से बाजरा का रोटी लेकर चले आई। तो फिर पति क्या कहता? तो पति बोला कि ये पराठा है कि बाजरा का रोटी है? तो उसने उसने एक चाटा खींच के मारा, बोला कि मैंने बना के लाई कि तू बना के ला। जी हम आपके पास आए हैं। आ जाइए। आप उधर बैठिए, दो मिनट बातें करते हैं। बैठिए। आप बड़े मजेदार इंसान हैं। कहाँ से आए आप? जी सिवान जिला गोरखगढ़ी बिहार। मुंबई में रहते हैं अभी? जी अभी तो मुंबई आए हैं। अच्छा, आप ही के शो के लिए, पर्सनल आप ही के शो को देखने के लिए। ओह स्वीट, थैंक यू ब्रदर। और क्या क्या देखा मुंबई में फिर आपने? मुंबई तो पहले मेरा मकसद सिर्फ आप ही को देखना था, आपको देख लिया, सब कुछ देख लिए। आपको नहीं देखा तो मैं कुछ भी नहीं देखता। आपने इतना प्यार करते हैं हमसे, थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम सब हैं यहाँ पे, ये सब कर रहे हैं। आपको मैं एक अपनी तरफ से गिफ्ट देता हूँ, जाओ मोना के साथ डांस कर लो। मेरी तरफ से ये गिफ्ट है आपको, एक प्लीज गाना प्ले किया जाए। मैं गाता हूँ बच्चन साहब का गाना। हाँ। तो एक बार मिस्टर आदिल और मोना सिंह के लिए जोरदार तालियां। मोना, आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए। एब्सोल्युटली। उसका क्या, कुछ दे तू। चल जा, चल चल जा, तू ही पीछे। तुझे पता है बिट्टू, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, इस बात पे तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये ले एक काम कर, ये 50 रुपए रख, जा तू भी जाके दाढ़ी पी ले, जा। किस बात की बधाई दे रही है? तुझे पता है सिद्धू जी, आपको पता है क्या, मैं दादी से परदादी बनने वाली हूँ। तू कैसे दादी से परदादी बनने वाली, मैं तो सुबह से यहाँ खड़ा हूँ। अरे तुझे पता है, वो पुरानी कब्रिस्तान वाले शरारती बाबा है ना, बैंड्रा ईस्ट वाले, उन्होंने मुझसे कहा कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के दूसरे दाहिनी के तीसरे पत्ते को तोड़ के चौथे गाय को खिलाने से पड़पूथा हो जाता है। फुटो। जब वो बोल रहा था कि तीसरा पत्ता तोड़ के चौथी गाय को खिलाओ, उसको 5वां थप्पड़ नहीं मारा तूने? चुप कर, तेरा दिमाग खराब हो गया। गाय को पत्ते खिलाने से क्या होता है, बच्चे होते हैं, गोबर होता है। तभी से बात कर रहा, शरारती बाबा है। अरे आपको पता है सिद्धू जी, जब वो कहते हैं कि बारिश होगी तो बारिश होती है,
भले अगले साल हो पर होती है। या तो ऐसा तो मैं भी बोल दूंगा तेरे को कि तू दादी बनेगी चाहे 8 से 15 साल बाद बने, उससे क्या होगा। तेरी सुस्ती की सजा मैं क्यों भुगतूं? बिट्टू शर्मा मुझे अभी इसी वक्त पर दादी बनना है। दादी तू क्या हमेशा जब देखो तुझे परदादी बनना परदादी बनना है। 150 करोड़ की आबादी होगी, उससे भी ज्यादा होगी। वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ कि आबादी 150 करोड़ की है, उसमें तेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं। देख दादी, इंसान की इच्छाएं जो होती है ना वो अनंत होती है। आज तू परदादी बन भी जाएगी ना, कल को तू कुछ और बनने को बोलेगी, पर परदादी, फिर पर 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 परदादी, पर क्या क्या बोलेगी तू, मैं क्या क्या करता जाऊंगा मैं। वाह मेरे चमत्कारी बाबा, आपके आशीर्वाद से कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा है। ये ले जल्दी से उनके प्रसाद को खा ले। ये देख ये कोई मामूली लड्डू नहीं है, तुझे पता है इसमें उन्होंने से उसके बाद देख हमारे घर में बच्चे भर जाएंगे। बच्चे तुझे बच्चे भरने ना, उसको लड्डू खाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बच्चों से घर भर देता हूँ। कैसे? दादी हमारे ना यहाँ पे दो बड़े स्पेशल बच्चे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड माइक दीजिएगा जरा। बेटा सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नुयान। हाँ, और आई आपकी सिस्टर है? अदा। अच्छा अब आप बताओ आपके पापा क्या करते हैं? आपके पापा क्या करते हैं? दादी। ये पहले बच्चे हैं जिनके पापा दादी हैं। वाह। आपको पापा की बातों में हंसी आती है? हाँ। तो स्कूल में सब आपको बोलते हैं कि आपके पापा कॉमेडी नाइट्स में दादी बनते हैं? हाँ। तो फिर आप क्या बोलते हैं उनको? बस कीजिए, बहुत तारीफ हो गई। मतलब सबको पता है आप दादी के बच्चे हो? हाँ। अरे वेरी गुड, चलो थैंक यू बेटा, आप शो में आपसे अभी और बातें करेंगे, ठीक है? आपके पापा तंग कर रहे हैं मेरे को, थैंक यू बेटा। दादी देख तेरे को ये लड्डू खिलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आज वैसे बच्चों से घर भरेंगे। आज मैंने ऐसे छोटे छोटे और कमाल के बच्चे बुलाए बाजी, जो उम्र में भले ही छोटे हैं लेकिन उन्होंने काम बड़े बड़े कर लिए। तो मैं सारे बच्चों को एक साथ इन्वाइट करना चाहूंगा, एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपके बारे में आपको भी शायद इतना कुछ नहीं पता होगा जितना इनको पता है। इनका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य के लिए जोरदार तालियां। ये अभी आपको अपनी जौहर दिखाएंगे। ये है शिवांश, इनको आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी सीरियल्स में, एड फिल्म से देखा होगा। ये है पीहू, बड़े अच्छे लगते हैं। इनका नाम है पीहू। अमृता। आपका नाम पीहू नहीं है? अमृता है। अब पर सब सबसे पूछ लो, अमृता ही है मेरा नाम। इनका नाम अमृता है कि पीहू है? अमृता। मेरा नाम अमृता ही बहुत अच्छा है। अच्छा बेटा चलो ठीक है, ये अमृता है और पीहू के लिए जोरदार तालियां, सॉरी अमृता के लिए जोरदार तालियां। ये रूहानिका है, राइट? राइट। वो सिद्धू सर बैठे हैं, आपको अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं आप? Yes. क्रिकेट देखते हो आप? Sometimes. Yes. तो फिर आप ज़्यादा टाइम क्या करते हो? खेलते हो। खेलते हो, स्कूल भी जाते हो? पढ़ाई करती हूँ, डांस क्लासेस जाती हूँ। कितना कुछ करते हो बेटा आप? आपकी हाउ ओल्ड यू आर? 7 and a half. I also go to dance class. You also go to dance class? Let me make a sentence. Okay, you also go to dance class. तो कौटिल्य आपने डांस वांस सीखते बेटा? मैं सीखता नहीं, मैं खुद करके सीखता हूँ। कुटिल एक बात बताओ, आपसे ये सवाल तो सब पूछते होंगे ना कि आप इतने सारे सवाल कैसे जानते हो, उनके आंसर्स कैसे पता होते हैं आपको? भाजी आप पॉलिटिक्स को लेके, बॉलीवुड को लेके कोई भी सवाल पूछ लीजिए आपको, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, कोई भी सवाल पूछिए आप। अच्छा कोई भी पूछिए। बेटा हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? प्रणब मुखर्जी। मेरे को तो ये भी लगता है इसको आने वाले का भी पता होगा। बेटा हमारे रक्षा मंत्री कौन है भारत के? आप बताओ पहले, आप बताओ एक बार। बेटा मेरे को पता होता मैं आपसे पूछता ही नहीं। एक बात बताओ। जी। मैं गलत बता दूँ तो क्या करोगी?
बेटा मैं तो अभी आपकी बात मान लूंगा क्योंकि मेरे को आप पे विश्वास है, आप गलत बोल ही नहीं सकते। वैसे कौन थे बता दो ना थोड़ा सा। अरुण जेटली। तो पाजी अभी हमारे पास बड़े होनहार बच्चे और भी हैं, मैं और यहाँ पे हमारे तीन छोटे छोटे गेस्ट और हैं जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हेलो सिद्धू पाजी। हेलो फेरी। वेरी गुड, आ जाओ ये आ जाओ बेटा। सबसे पहले आप अपने अपने नाम बताओ। आप बताओ। आर्यन। ये सीरत है और आप? मैं डेलिसा। डेलिसा आप इनका नाम है, वैसे ही अपने आप को कैटरीना कैफ कहती हैं। अच्छा ये बताओ सबसे दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बेटा मैं लड़का हूँ। अच्छा। मम्मी। आपकी मम्मी? तो मैंने तो सुना था डेलिसा सबसे खूबसूरत है। हाँ जी मैं भी अच्छी हूँ। चलो आ जाओ बेटा, आज आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे घर में चार गेस्ट से ज्यादा बिठाने की जगह नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक ही सोफे पे सब एडजस्ट हो जाएंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिलती है बैठ जाओ। शाबाश शाबाश। अरे कितने सोने सोने बच्चे, खूबसूरत खूबसूरत बच्चे, मर जावा गुड़ खा के। मैं तो कहती हूँ बिट्टू एक आपको हम रख लेते अपने पास। ये बच्चे आलू बुखारे नहीं के अच्छे लगे तो खुद रख लिए। ये पता तेरे को कितने बड़े बड़े काम करते हैं बच्चे, ये कितने, ये वंडर चाइल्ड है सब। तू इनमें से, ये जो कोटिल्ले मेरे पास बैठा हुआ है इसको दुनिया की कोई भी बात पूछ ले तेरे को बता देगा। ये कौन, वो शाकाल? रुक अभी पूछती हूँ। शाकाल? अरे मेरा शाकाल, इतना क्यों छोड़ दिया? अच्छा तू बड़ा शालाक है। ठीक है ये बता कि अगर गाय दूध देती है तो भैंस क्या देती है? भैंस दूध ही तो देगी, कोई गाय का गोबर थोड़ी ना देगी। भैंस दूध देती है। भैंस दूध देती है? भैंस दूध देती है। भैंस ही पूछा, भैंस मैं तो देती भी नहीं। हाँ तो बिल्कुल सही तो कहा उसने, अगर गाय दूध देती तो भैंस भी दूध ही देगी, वो जूस थोड़ी देगी, क्यों बेटा? अच्छा बच्चों तुम लोग हमारे घर आए हो, चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे? खाएंगे नहीं। जाओ मेरे लिए भी थोड़ा लेकर आओ, जाओ। अच्छा आपकी दादी ऐसी तंग नहीं करती ना, मेरी वाली दादी खराब है ना, इनको बेच दे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बेच दूं? नहीं, नहीं। कितने पैसे मिल जाएंगे इस दादी के? 5 रुपए। हाँ। चल चल ठीक है मैं जाती हूँ, मैं समझ गई मेरे को जाने का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ। अच्छा शाकल जाने से पहले मैं बड़ों को करती हूँ, आज बच्चों को करूंगी, मैं सबको प्यार करती हूँ। आज मेरी बच्ची आ जा, मैं सबको प्यार करती हूँ। खुश रहो। अच्छा मैं आती हूँ, बाय। ठीक से बैठो, मुझे बोलो। अच्छा बेटा, अच्छा हमारे पास एक ही है। कपिल अंकल मेरे साथ से शादी है। आपसे शादी करना चाहती हूँ, उधर अस्मार बैठ के बोल रही है। आपको मेरे से शादी करनी है? आप इतने से? मैं 5 ईयर्स की हो गई। 5 ईयर्स के हो गए? अरे कितने बड़े हो गए आप। आप हैं सेवन का? बस थोड़ी सी चूक रह गई है सेवन काउने में, थोड़ी देर में हो जाऊंगा। जब बताऊ, जब आप CBSE पार कर लोगे ना, जब मैं सेवन का हो जाऊंगा। अच्छा सिद्धू अंकल कितने साल के होंगे? 52। अच्छा 52? हो तो आपने बताया नहीं डेली सर, आपने तो बताया नहीं सिद्धू सर कितने साल के हैं। 100। मैं बाबा आदम के जमाने का हूँ, अकबर के जमाने का हूँ क्या? अच्छा रोहानी का, जब आपको अवार्ड जयहो के लिए मिला था ना बेस्ट एक्ट्रेस का? नहीं मिला था, मुझे मिला था। आपको अवार्ड मिला था? कौन सी मूवी के लिए?
पूरी मूवी के ले लिए। ये चश्मा आप हमेशा लगा के रखते हो? हाँ, लगता है इसकी शक्ल गिर गया है। ये आप आज क्यों लगा के आए हो? आज तो अभी तो रात है। स्टाइल के लिए। कपिल भैया, आप सबको हमेशा बोलते हो कभी आपने सोचा था आप मेरे शो में आओगे, तो कभी आपने सोचा था कि मैं आपके शो में आऊंगा? कौन आया? हाँ बेटा, कौन आया? हाँ एक सेकंड, हेलो डॉक्टर, डेलिसा से बात करनी है। वो बोल रहे डेलिसा को बोलो, बहुत ज्यादा बोल रही डेलिसा। मुझे ना बहुत दर्द हो रही है डॉक्टर अंकल, आप जल्दी आ जाओ इधर से, बाके इधर आ जाओ, मुझे ठीक कर दो और बैंडेज लगा दो, जल्दी आ जाओ मुझे ठीक करने। एड्रेस तो बताया नहीं। मैं डेलिसा के मम्मी पापा से बात करना चाहता हूँ दो सेकंड के लिए। एक सिंपल सा सवाल, क्या खा के बच्ची को पैदा किया था? क्या खा के? वही जो सब खाते हैं। अच्छा, आपका मतलब है जो बच्चे ज्यादा नहीं बोलते उनकी मदद से क्या कुछ नहीं खाते? मैं समझ गया, आप ही पे गई है कुछ खाने वाला। अच्छा, हमारे घर में ना इतने छोटे छोटे डॉगीज हैं, कौन खेलेगा उनके साथ? मैं। अच्छा चलो, आप, मैं आपके पास लेके चलता हूँ, ठीक है? अच्छा, पकड़ो उंगली, पकड़ो, मैं आपको लेके चलता हूँ। इधर आओ, इधर है डॉगीज, ठीक है? उनको आप हाँ, उनके उनको ज्यादा तंग नहीं करना, ठीक है? हेलो हेलो। अबे हम आपसे सवाल पूछे एक एक करके? पूछो। आप देखना कि ये सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ठीक है? अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है बेटा? बराक ओबामा। उनकी वाइफ का नाम क्या है? अमेरिका मतलब है कोई भी बन जाए। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और वो कितने भाई हैं? वे हैं पांच। डन। मैं मिला हूँ दो से, एक सबसे बड़े से और एक सबसे छोटे से। अच्छा, सोम भाई मोदी और पंकज भाई मोदी। वाह वाह, क्या बात है। मैंने आपके लिए पोयम बनाई है। खड़का दे फिर, सबको बोल दे। सबको सुनाओ, आप ऐनक उतार के सुनाओ। तू मन का पट्टी बोला, सिद्धू जी को भी सुना गया पोएम। तू मन का अति बोला और सिद्धू मोरा। मैं अभी आप दोनों से क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं इधर बैठता हूँ तो फिर मेरे को क्वेश्चन सूझते हैं। अभी मेरी सीट पे कोटिले बैठा है, कोटिले आप इधर आ जाओ, वैसे भी सोफा काफी खाली पड़ा, बैठे इधर आ जाओ आप। शिवांश, जो आपने फिल्म की थी इंग्लिश विंग्लिश, तो उसमें आपकी तो कोई हीरोइन थी नहीं, तो उसमें आपके पापा की हीरोइन थी, आपका दिल नहीं करता आपकी भी हीरोइन होनी चाहिए? नहीं, मैं तो अभी बच्चा हूँ भैया, बड़ों के मैं भी बहुत सारी हीरोइन बनाऊंगा। आपने उनको बोला नहीं जब फिल्म में आप काम कर रहे थे कि मुझे भी एक हीरोइन दो अलग से? वो तो मैं बड़ों के अपनी खुद की हीरोइन बनाऊंगा ना, उनसे मांग के थोड़ी ना बनाऊंगा। अमृता, आप अगर मिस वर्ल्ड बन जाती है, मान लो आप मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं, आप तो आपको एक स्पीच देनी है, आप क्या बोलेंगी स्पीच? मान लो आप जीत गए हो। अगर मैं बड़े होकर जीत गई तो मैं इतना ही बोलूंगी कि मैं मतलब मेरे पूरे इंडिया को अगर आप लोग साफ और सुथरा रखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साफ और सुथरा इंडिया।
स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। बेटा we are so proud of you, आपके इतने विचार अच्छे हैं इतनी छोटी दिल में। पटेलिया एक बात बताओ, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? दादाजी। दादाजी आपके बेस्ट फ्रेंड है? तो आपने दादाजी को बेस्ट फ्रेंड क्यों बनाया आपने? वैसे ही मैं मन करा तो बना लिया। दादाजी हैं साथ में? हाँ। कहाँ हैं दादाजी? अच्छा वो नमस्कार सर। सर मैं एक आपसे बात जानना चाहता हूँ, ये जो इतना सब कुछ इसको याद है, ये कैसे इसके अंदर बचपन से ही था ऐसे? इसकी जानने की क्यूरियोसिटी रही है, भगवान की कृपा है, इसको बड़ा अच्छा दिमाग दिया है। लेकिन हम तो यही मैसेज देते हैं कि सभी बच्चे जीनियस बन सकते हैं। क्या बात है। कौटिल्य ने, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि एक पीरियोडिक टेबल होता है साइंस के अंदर जी, जो बड़ी बड़ी क्लासेस के बच्चे करते हैं, 3 घंटे के अंदर 112 के 12 एलिमेंट्स कर दिए इसमें तैयार। ये सुना भी सकता है, ये आपको यहाँ सुना भी सकता है। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल हो जाए। हाँ, चार, ये आप पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ सुनाएगा, खड़े होकर पीरियोडिक टेबल सुनाओ। काफी है तालियां, क्या बात है। कौटिल्या मैं आपसे कुछ जल्दी जल्दी सवाल पूछना चाहता हूँ, बिकॉज लोग अभी मेरे पे शक कर रहे हैं। तो ये ऑडियंस में से हमें कुछ सवाल आए हैं, आप फटाफट उनके जवाब अगर आपको पता है, मेरे ख्याल से पता ही है आपको सारे। इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट का नाम क्या था बेटा? आर्यभट्ट। दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है? सहारा डेजर्ट। ओके, सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे गर्म प्लेनेट? वीनस। मर्क्यूरी। वीनस है उसके क्लाउड जैसे। आपस में डिसाइड कर लो बेटा, पता मेरे को भी नहीं है। कौटिल्या आपको पता है कितनी स्टेट्स कितनी है? कौटिल्या 29 37 ही बोला। और मैंने 7 बोला। 37 बोला तो तू ज्यादा मत कर। अभी पिज़्ज़ा नीचे गिरा कैसे? So, अब आप चारों बच्चे जो हैं इतने टैलेंटेड हैं, हम सबको बताएं, अब हमें आपका डांस देखना है, क्योंकि ये पब्लिक सारी डिमांड कर रही है नीचे। वो देखो छोटे बच्चे, अभी क्या देखना है आपको? ओके okay. कौन सा बेटा? ए, थोड़ा मुश्किल है बेटा। मैं करके दिखाऊं? कैसे? दोबारा करके बताओ, आप बताओ करके। संभाल कर। ये अभी जितनी देर हमारे साथ और रहेंगे हमें पता चलता रहेगा ये और क्या क्या कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई देश का बजट इनको दे दिया जाए, शायद ये बना लेंगे बैठ उठ के तीनों चारों डिस्कस करके ना इतने। अच्छा पीहू आप एक काम करोगे, पीछे हमारा डॉगी है। उनके साथ आप दोनों जाओ, और अभी जो जिसके साथ खेल रहा है ना उन सबको यहाँ पे भेज देना आप। ठीक है? ठीक है। मैं ना किसी के सामने पूछ नहीं रहा था, इधर तू इतना शरारती, तेरी गर्लफ्रेंड तो होगी ना कोई नहीं। क्या झूठ नहीं बोलना, कसम खाओ कटरीना कैफ की। एक तो गर्लफ्रेंड होगी कोई नहीं। आदि आदि मतलब आदि क्या है? उसका मुंह ही ऐसे। अरे आ गए आप। तो सीरत मुझे आपसे कुछ बातें करनी बेटा। अच्छा मुझे आपने बताया नहीं, अभी आपकी मम्मी आई है ना वहाँ पे, तो पापा कहाँ है? पापा तो घर पे। वो क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं। तो उनको क्यों लेके आए? मैं आपको बताती हूँ। पापा की हेडेक क्यों हो रही थी पापा को? मम्मी तो यहाँ है। वैसे पापा क्या करते हैं आपके? पापा तो पहले
करते हैं। क्या काम करते वापस आके बेटा घर पे? अरे जैसे बेबीज को स्कूल से होमवर्क मिला होता है वैसे बिग पापा और मम्मा को लैपटॉप का होमवर्क मिला। अच्छा पापा वो करते हैं आके। ओके वेरी नाइस। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि यहाँ पर आपने सब मेरे बड़ीज को बुला रखा है। पलक तेरे बड़ी कहाँ से हो गए? सबसे बड़ी तो तू है। शायद आपको पता नहीं है हम सब सेम स्कूल से ही हैं। हाँ। तू स्कूल क्या करने जाती है? मैं म्यूजिक सिखाती हूँ। कौन सा म्यूजिक सिखाती? क्या सिखाती तू? मैं वो मेरा इंस्ट्रूमेंट गिर गया एक मिनट। हाँ ये जो है ना। हाँ? ये सिखाती हूँ मैं स्कूल में। कैसे? ये क्या मैं सिखाती हूँ बताती हूँ आपको। ये देखिए एक मिनट जी। ये किस भाषा में बात कर रही है? जर्मन में बोलती है, उनको हिंदी नहीं आती है। वैसे शायद आपको पता नहीं है लेकिन मैं स्कूल में। क्या करती है? ये क्या मुझे शराब दे रही है? कर क्या रही है ये? अरे बोल दे। क्या 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 बोल रही है ये? क्या पानी पीना है आपको बेटा? मुझे भी चाहिए। मैं यहाँ वाटर सप्लायर हूँ। ये बैग में कौन सी किताबें रखी तूने पलक? मैंने अपनी स्कूल आपको देखना तो देखिए ना अपनी सारी स्कूल की किताबें रखती हूँ इसमें। बेटा जरा जगह दो ना, ये क्या है? चश्मा है, चश्मा। ओके ओके कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ बैठ जाओ। ये देखिए सारी की सारी किताबें इसी में। ये तो मेरा खाने का बॉक्स है। पहले पीरियड में आलू पराठे खाती हूँ ना। वो ये मेरे दूसरे पीरियड में वो छोले भटूरे भी होते हैं। वो तीसरे पीरियड में वो कुलचे। फिर दही भी खाती हूँ ना चौथे पीरियड में। कहाँ गई मेरी किताबें? और ये पांचवे में लड्डू खाती हूँ मैं। पांच पीरियड खाना खाती है, दो पीरियड तो निकालने में लग जाते होंगे तेरे को। अगले दिन पढ़ती हूँ ना मैं। तुझे आता जाता भी है कुछ? तेरे पता इतने इंटेलिजेंट बच्चे आए यहाँ पे तो मेरे साथ कंपटीशन हो जाएगा। ये अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं तो। बच्चों आपको पलक के साथ कंपटीशन करना है? आपको पलक दीदी अच्छी लगती है? आपको पटेले आपको अच्छी लगती है? गंदी लगती है। आपका वो कैसा करता है? आप वो ऐसे करते हो ना तो मैं देखो कैसे करता हूँ। ओ 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 चैलेंज कर दो उनको। बोलो चैलेंज चैलेंज। अच्छा ठीक है तो ये कह के दिखाओ मैं जो कहती हूँ ना उसको रिपीट करो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। अब ये बोलो ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंटी पीठ ऊंची, ऊंटी पीठ ना, ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा। अच्छा ये नहीं होता, ये बोल के बता दो। She sells seashells on the seashore. चलो अभी डेली से आप बोलो अभी। She sells seashell. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अच्छा अच्छा आजा 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 बस बहुत सारे हो गए। हाँ एक मिनट, हमारे पास और दो स्पेशल बच्चे हैं, दो मिनट में बात करना चाहूंगा उनसे। ये यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ क्या है? आर्यन। आर्यन, और आपके साथ आपके भाई आए हैं। आपके पापा क्या करते हैं? हाँ पलक का रोल। क्या? पलक का रोल करते हैं?
ये जो ये वाली पलक है तो ये थोड़ी आपके पापा है। शी इज अ गर्ल। नो है, मम्मी है ना, मम्मी कहाँ है? शी इज अ गर्ल। मम्मी इज अ गर्ल, पापा इज ऑल्सो गर्ल। पापा घर पे पलक बनते हैं कि पापा घर पे नॉर्मल रहते हैं? घर पे नॉर्मल रहते हैं, यहाँ पे पलक बनते हैं। यहाँ पे आके बन जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। एक मिनट, आप लोग मुझे एक और चीज बताओगे बच्चों? आपको पता है कि ए बी सी होता है ना, तो उसमें से बी को सबसे ज्यादा ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि बी ए सी के बीच में होता है ना। तो ये बच्चों से नहीं जीत पाएगी, तो भी तू जा पलक। मैं नहीं जीत पाऊंगी। नहीं पलक, ये मेरी तरह डांस कर सकते हैं बच्चों? आप पलक की तरह डांस कर सकते हो? चलो ठीक है फिर, म्यूजिक दो, म्यूजिक अभी पता चल जाएगा, म्यूजिक दो। चलो चलो, मुझे बड़ी भूख लग गई है अब। हाँ, इधर जाके कुछ खा के आती हूँ। आपको भी कुछ खाना है क्या? आओ मेरे साथ आओ, आओ आओ आओ, आप भी आओ। हाँ चलो जाओ जाओ, दीदी खिलाए। चलो आओ आओ आओ, सबको खिलाती हूँ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ। ये एक्चुअली ये एपिसोड में जो आप ये सब देख रहे हो आदर की, ये बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चे होते हैं इनमें इनोसेंस इतनी होती है कि ये जो नॉर्मल बातें करते हैं उसमें से अपने आप ह्यूमर निकलता है। आज ये मंच सिर्फ बच्चों के लिए खुला है। जिन जिन बच्चों ने डांस करना है वो इस तरफ आ जाइए, मैं जब बोलूंगा तभी आपको करना है, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। ओके यहाँ पे अभी कंपटीशन होने वाला है, बॉयज इस तरफ आ जाइए सारे बॉयज। ओके अच्छा ओके रेडी, आपने नहीं डांस करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये थोड़ा सीरियस बच्चा है, देश के बजट को लेकर थोड़ा सा टेंशन है। बेटा कुछ नहीं होता, सब ठीक जा रहा है, देश में सब ठीक हो रहा है, आपने टेंशन नहीं लेनी। Please. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.